गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। हम मेहंदी लगाने से पहले जो प्रोसीजर करते हैं आज उसके बारे में बताएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो मेहंदी पे बनाए हैं, फिर एक नया वीडियो है ये, सो प्लीज़ गाइज इसे देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। सो हमें दो एक बाउल चाहिए, उसमें दो बड़े कप वाटर चाहिए और हम इसको फ्लेम में ऑन करके रख देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 पाउच कॉफ़ी 10 रुपीस और 8 से 10 भिंडी काट के हम इसमें ऐड करेंगे। भिंडी जो होता है ना, इसमें जो भिंडी हमारे बालों को कैरेटिन प्रोवाइड करती है और बालों को एक अच्छी ग्रोथ देती है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस, राइस के बेनिफिट मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें 8 से 10 लौंग। लौंग जो होता है ना, लौंग जब पकता है तो उसमें एक कलर सा छूटता कलर देता है जो कि बालों को स्ट्रेट करता है, ईचिंग सबसाइड करता है, डैंड्रफ क्योर करता है। सो इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच चाय पत्ती मिलाएंगे। चाय पत्ती भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर हम इसको अच्छे से पकाने के बाद, देखिए पक गया है, इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद जो वेस्ट बचा है या तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके मेहंदी में ऐड कर सकते हैं या तो उसमें और पानी ऐड करके अच्छे से छान सकते हैं। सो इसको लोहे की कढ़ाई में हम मिक्स करेंगे। लोहे जो होता है, लोहे की कढ़ाई में जो हम मेहंदी फुलोते हैं या भिगोते हैं तो उसमें ना एक आयरन छूटता है, तो आयरन और अच्छे से आयरन लेने के लिए हमें इसमें आंवला दही या नींबू मिलाना है। तो मेरे पास आंवला है, मैंने वो मिला दिया है। सो इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे, नेक्स्ट डे लगाएंगे। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा बताएं। बाय बाय।